मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन चुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर अभी से शुरू हो गया है। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले पर हुई बैठक में कांग्रेस विधायक और दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ ही होंगे। उन्होंने कमलनाथ को कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि वो तो कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। मैं तो आया हूँ क्योंकि एक उन्होंने किताब लिखी है पर्यावरण पे, तो उस किताब का विमोचन आज राजी कर रहे हैं। मैं तो उस प्रोग्राम में आया। सर, आपका पैरवी करी कार्यकारी अध्यक्ष बनाने को लेकर लक्ष्मण सिंह जी ने? देखो जहाँ तक मेरा इसमें मानना है कि वो तो मैं तो उसका बड़प्पन है लक्ष्मण सिंह जी का, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि अभी संगठन में कोई बदलाव नहीं होगा। कमलनाथ जी तो अध्यक्ष हैं, वैसे भी पहले से चार कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस का जो संगठन है बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। सर, आपका जिम्मेदारी मिलेगी, आप निभाएंगे अगर अलगमंडी? जिम्मेदारी है। मैं मुझे कमलनाथ जी से लगातार मेरी बातचीत होती रहती है, वो मुझे अलग अलग काम बताते रहते हैं, तो मैं करता हूँ। सवाल नहीं उठता ज्यादा, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि जो ऑलरेडी कार्यकारिणी है वो यथावत रहे।